Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, ये एक ऐसा platform है जहाँ पे आपको तमाम subjects के lectures, notes, past paper solutions, PPTs आपको यहाँ पे मिलती हैं. तमाम चीजें इजीली आप यहाँ पर वेबसाइट से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स और उनकी प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं. जिस स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और उसकी उसका जो एक्सरसाइज 3.4 है, चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स, वो स्टार्ट कर दिया हमने. और 3.4 जो है उसकी थ्योरी जो है आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे. So without wasting our time, we will move to our lecture. Dear students, I am sharing a screen. So dear students, जैसे मैंने आपको बताया कि हम theory जो कि 3.4 की है उसमें जो basic concepts हैं जो कि exercise के अंदर use होने हैं वो मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा, या फिर जो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज और डेफिनेशंस में भी आ सकती हैं वो चीजें इसमें मैं आपको कवर अप करवाऊंगा. और मोस्ट ऑफ देम कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन रिव्यू एक्सरसाइज उसमें जो यूज हो रहे हैं वो होंगे इसके अंदर. और एग्जाम पास पेपर सोल्यूशन के हवाले से जो क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं उसके कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको इस लेक्चर में डिलीवर करूंगा आज. सो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में क्या है. जी, डॉट एंड अ स्केलर प्रोडक्ट. डियर स्टूडेंट्स, स्केलर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ. स्केलर तो डेफिनेटली वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हो और जिसके अंदर जो है वो डायरेक्शन ना हो, जिसका जो जिसमें डायरेक्शन जो है हम नहीं लेते, जस्ट क्या हो जिसमें मैग्नीट्यूड हो. आपको ये डिटेल में मैं समझा कि जो 3.12 की थ्योरी के अंदर. और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट वो एक ही चीज होती है. स्केलर में डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, राइट? इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करना है. इज डिफाइंड है, कैसे डिफाइन होता है मैथमेटिकली, क्योंकि हमने इसको डिफाइन करके बताना है. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो, मीन्स के वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर, राइट डियर स्टूडेंट्स? तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की जहां पे बात हो, क्योंकि हम क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से राइट नाउ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे एग्जाम में आपकी एक्सरसाइजेस में से, तो डेफिनेटली वहां पे ए डॉट बी जो है वो बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा. अच्छा, डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है. देखें, ये डायग्राम आपको शो करवा रही है ए वेक्टर है, ये तो देखें सिंपली आपके पास क्या है, ये ए वेक्टर है. इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ हल्का हल्का, ये ए वेक्टर है. अब ये बी वेक्टर है, दिस वन. अब इसमें दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. अगर आपको कहा जाता है कि भाई थीटा फाइंड आउट करना है ए और बी वेक्टर के दरमियान, तो दोनों वेक्टर आपके पास होने चाहिए. जितना एंगल इंक्रीज होता जाएगा ए एंड बी के दरमियान में जो है वो उसी लिहाज से जो है वो गैप इंक्रीज होता जाएगा. लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि ये 90 पे होता तो डेफिनेटली वो इस तरीके से 90 एंगल होता बीच में, यूं करके, राइट, यूं करके इस तरीके से. और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, लेट सपोज के मैग्नीट्यूड, देखिए नीचे आपको मेंशन है जहां पे अभी मैं एरो डाला है दिखाने के लिए आपको. तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ए कॉस थीटा है, राइट डियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरीके से इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड होगी, राइट. ए वेक्टर यहाँ पे, नीचे बी वेक्टर है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, राइट. तो ये ए बी कॉस थीटा है, राइट. ए ए बी वेक्टर, राइट. ए बी वेक्टर is equal to a b cos theta, right? ये ऐसे define as ऐसे होगा, right? Dot और scalar product is defined as is this equation जो कि मैंने आपको show करवाई हुई है. a vector, b vector multiply होंगे आपस में और a b cos theta हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से dear students आपने जो है वो करना है. Questions इसमें आएंगे different, a की value देगा आपको, b की value देगा exercise में जब हम करेंगे 3.1, 2, 3, 4 so on. उसमें 3.1, 2 और 3 तो हम कर चुके हैं. 4 में जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1, 2, 3 जब हम करेंगे तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके से कुछ
क्वेश्चन हमें देगा, वहां पे डायग्राम्स नहीं होंगी आपके पास, वो आपने माइंड में इमेजिन करनी होगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर आपने ए की जगह ए वेक्टर की जगह ए की वैल्यू पुट अप करनी होगी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट अप करनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसमें जो है अगर थीटा पूछता है तो थीटा फाइंड आउट करवाना है, अगर कॉस इनवर्स पूछता है तो कॉस इनवर्स करवाना है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। बस आप जो है वो जस्ट आपको मल्टीप्लीकेशन दे देगा सिंपली कि ए डॉट बी को फाइंड आउट करें, ए वेक्टर देगा लाइक 2i+4k +8j, राइट। आई जे के की ही फॉर्म मोस्टली वेक्टर में होती है, तो वो देगा आपको, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा, और सिंपली क्या होगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ए को बी से कराएंगे, बी में भी आई जे की वैल्यू होंगी, आई को आई से करवाएंगे, ए वेक्टर के आई को बी वेक्टर के आई से, इसी तरीके से ए वेक्टर के जे को बी वेक्टर के जे से, इसी तरह ए वेक्टर के को बी वेक्टर के से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह डॉट और स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है, बट इसमें प्रेजेंटेशंस जो है वो, या टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूंगा, वो थोड़ी सी क्रिटिकल या डिफिकल्ट होती है, कि वेक्टर का साइन ऊपर आपने डालना होता है, कहीं पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपने फाइंड आउट करना है आर वेक्टर सपोजिशन है, सपोज कर लें, और उसमें यह है कि ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसकी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से फार्मूलाज आपको कुछ याद होने चाहिए, और ए वेक्टर ऊपर लिख दूंगा सिंपली जो गिवन होगा, नीचे जो है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इस अंडर रूट में होगा, और तमाम का जो है वो आपस में स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर होने के बाद जो भी आएगा वो अंडर रूट में लिख देंगे, इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन का, जो सॉल्व करने का तरीका होगा कुछ इस तरीके से होगा, सॉर्ट आउट क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आपको इतनी कोई कंफ्यूजन हो कि नहीं, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3 के अंदर जो है आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, और बस इसमें थोड़ी सी एडिशन ये होगी 3.4 के अंदर डियर स्टूडेंट्स के थीटा इन्वॉल्व हो गया है, और इसमें यह है कि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और फिर इसको सम वन एल्स के बराबर इक्वल प्रूव करना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं आप लोगों के पास। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं वो क्या है हमारे पास जी। देखें नेक्स्ट जो है वो इसमें कुछ वैल्यूज हैं, देखें अगर आपके पास आई डॉट आई वेक्टर होता है, लाइक आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ, ये आई डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू j. इज इक्वल टू k. इज इक्वल टू 1, तब कहने का मकसद डियर स्टूडेंट्स ये है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये चीज एमसीक्यूज में तो आती ही आती है, लाजमी आती है, इसमें लिखा हुआ होता है आई डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन होते हैं 0, 1, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ देम, इस तरह या नन ऑफ दीज, इस तरह लिखा हुआ होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर जो है 1 के बराबर होता है। अब सेकेंडली नीचे क्या है, एक और चीज है कंफ्यूज करने के लिए, आई डॉट जे या डिफरेंट कर रहा है इसको, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर है ये, राइट डियर स्टूडेंट, जे डॉट जे के डॉट के जे डॉट के यूनिट वेक्टर के डॉट आई यूनिट वेक्टर ये डिफरेंट है, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, राइट। डिफरेंट हो जाए तो 0 के बराबर है, अगर सेम हो तो वो 1 के बराबर, राइट। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, इस तरह आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई ये 0 के बराबर है। अब देखिए प्रीवियस स्लाइड की तरफ अगर मैं जाऊं, उसमें सिंपल एक आपको मैंने डायग्राम बताई कि दो वेक्टर थे ए और बी, अब यहाँ पे थोड़े से वेक्टर ज्यादा हुए हैं, मैंने एक डायग्राम और आप लोगों के लिए चूज की है, देखिए ये बी वेक्टर है, अब इसमें वेक्टर ऐड हो रहे हैं, ये वाली जो लाइन है देखिए सी है, इसमें समवन जैसे देखें ए और बी डी और सी वेक्टर है, बी और देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ बी एंड सी वेक्टर, डी स्टूडेंट बी एंड सी वेक्टर, और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहा है, बी और सी को जब ऐड कर रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस में आ सकता है, राइट, ये भी चीज आ सकती है क्वेश्चन में, और ऐसा कंपोजिशन जो है वेक्टर की आ सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है। अब नीचे देखें बी, ये पूरा क्या है, B+C है नीचे जो लिखा हुआ, ये नीचे यहाँ पे जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये क्या है, B+C है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई B+C वेक्टर है, इनको ऐड करें और इस तरह के, यार मैथमेटिकली डायग्राम से जो है प्रेजेंट करें, ग्राफिकली प्रूफ करें, ग्राफिकली शो करवाएं, तो इस तरह अगर आपसे पूछ लेते तो आपने ये डायग्राम बनानी है। देखिए अगर वो आपसे कहता है कि B+C
इंटू ए जिस तरह लिखा हुआ है, इसको जो है वो आप प्रूव करके दिखाएं या ये बताएं, तो इस तरीके से होना है। या फिर आपने ट्रायंगुलर शेप में अगर वो आपसे पूछ लेता है बी और सी वेक्टर हैं, तो ये वेक्टर की एक तरह की डायग्राम है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इतने कोई डीपली जाके कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या अच्छे से मैथ्स को समझते हैं या पढ़ते हैं तो उनके लिए तो मसला नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ 3.4 के क्वेश्चंस की, उसमें तो इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऑलराइट अच्छा, अब मैं जैसे बात कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, नेक्स्ट स्लाइड में यही है, कम्यूटेटिव लॉ आपके पास आ सकता है। तो आपको अभी पता होगा कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट टू योर स्टूडेंट्स फॉर डॉट, हेडिंग क्या है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हो आपने करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। तो वेक्टर के लिए आपने करना है, तो ये इस तरह होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और वो भी आई जे के की फॉर्म में होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि 4 आपको दे दिया और मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स करवाना है बी से, और बी की वैल्यू 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और वो इजीली जो है आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो आई जे के की फॉर्म में जो है हमने आपस में इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। विच शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों बी और ए वेक्टर के बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से अब देखिए, मैंने डायग्राम एक और आपको बना के दिखाई है, जिसमें देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है, और यहाँ पे क्या है, ये कॉस थीटा है, राइट। अब ये जो है वो ए वेक्टर है, ये आपके पास जो है बी वेक्टर है, ये थीटा दरम्यान में शो करवा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। डायग्राम आपको शो कराने का मकसद ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखें जहां भी कोई भी डायग्राम है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये ए और बी की लेंथ है, ये थीटा की ये लेंथ है, या इसकी मैग्नीट्यूड कहला रही है, मैग्नीट्यूड ये पूछ रहा है बेसिकली क्या है। देखिए यहां से भी अगर मैं देखूँ इसको और इस वाली लाइन को लगा के देखूँ, तो ये इसकी चीज का मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा के साथ, थीटा क्योंकि है वो भी इन्वॉल्व होगा उसमें, कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, देखें मैंने आपको समझाया, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ इस चीज को। ये अब मैंने एक चीज रखी है, लेट्स सपोज ये कोई कार है, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड ये क्या है, ये जो स्पेस जितनी ले रहा है वो है, तमाम चीजें इसमें आएंगी। इसमें ये देखें टायर्स हैं, और उसके ऊपर दरम्यान में कुछ गैप आ रहा है, ये उसकी ऊपर बॉडी है गाड़ी की, लेकिन हमने ओवरऑल का मैग्नीट्यूड बताना है। इसमें भी देखें ओवरऑल का मैग्नीट्यूड बताया, ये वाली चीज जो है ये नहीं है, ये गैप है यहाँ पे जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ, जिसपे देखे मैंने इस तरह एग्जैक्ट लगाया है। तो ये चीज गैप है, लेकिन हमने किस तरीके से इसको पूरे को आइडेंटिफाई करके हमने क्या इसको बताया कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर कॉस थीटा, ये देखें आप, राइट डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको पता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, तीन टर्म्स ले लेते हैं फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएंगे। अच्छा, कुछ जो है प्रोजेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रा प्रोजेक्शन बी ऑन ए और ए ऑन बी, वो सिंपल है, वो क्वेश्चंस जब हम करेंगे 3.4 के वो आपको उस वक्त जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। और फिर हो सकता है फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनियलिटी ऑफ टू वेक्टर्स आपसे पूछ सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो उसमें आपने इस तरीके से डायग्राम बनानी है, और इस तरीके से वही थीटा इन्वॉल्व होगा, जैसे पाई अपॉन टू अगर होगा तो ये बी वेक्टर आपके पास है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह ऑर्थोगोनल टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हो सकता है वो पूछ ले प्रूव द कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर द डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और देखें अब डॉट प्रोडक्ट भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ए डॉट जैसे मैंने कम्यूटेटिव बताया, तो इसमें वो इस तरह बस यूनिट वेक्टर आपने ऊपर वेक्टर का साइन लाजमी डालना है, ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी, ये वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी यहाँ पे, लेकिन यह है कि वेक्टर का साइन वेक्टर का साइन वेक्टर का साइन वेक्टर का साइन ये लाजमी होगा। कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने दोनों में किया था, इसमें भी और उसमें भी, लेकिन देखें इस तरीके से आपने करना है। डॉट की जब मैं बात करूं ऊपर वेक्टर्स के जो है वो साइन आपने डाल के कुछ इस तरीके से इसको जो है वो करना है। तो मुश्किल नहीं है इसके, जब मैं क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के करवाऊंगा तो आप बहुत इजीली जो है इसको समझ लेंगे, बिकॉज 3.1, 2, 3 अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं रेशियो ऑफ द वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, वो आपने बताना है, जैसे ओपी अगर वेक्टर को मैं आर के बराबर ले लूं, और फिर वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जैसे तीनों वेक्टर आई जे के स्क्वेयर लेके उसके अंडर रूट लेंगे, इस तरीके से उसको जो है वो डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आपके पास जो है वो आ सकते हैं।
और यूज डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर कॉस थीटा है, इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर राइट डिवाइडेड बाय व्हाट, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इनटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये जो है डिनोमिनेटर में, ऊपर नोमिनेटर होता है आपको पता है, नीचे जो है डिनोमिनेटर होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। और प्रोजेक्शन का मैंने आपको जिक्र किया, तो प्रोजेक्शन वाले जब क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के वर्ड से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रोजेक्शन का वर्ड आता है आपके पास, तो आपने जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें भी यही करेंगे, देखें अगर बी वेक्टर है, या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी राइट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी अगर वो आपको कहता है, इज क्या होगी वो, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 3.4 के अंदर। तो ये फार्मूला जिससे आप बाखूबी वाकिफ होंगे, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, तो ये इस तरीके से बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए डॉट बी को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अगर तो वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। और अगर वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो फिर आपने डेफिनेटली जो है वो टर्म्स चेंज कर देनी है, जो है टर्म जो डेफिनेटली बी आएगी, ए डॉट बी ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे बी वेक्टर आ जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये आप बुक में भी देखेंगे तो ये चीज आइडेंटिफाई की होगी डिफरेंट एग्जाम्पल लेके, वहां पे उसने कोई टर्म ओ ए यूज की होगी, डायग्राम से जो है वो आपको समझाया होगा, जो डायग्राम जैसे मैंने अभी बनाई हुई है, इस तरह की वो कोई डायग्राम लेगा और उस पे आपको समझा रहा है एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको समझाया गया होगा। यहाँ पे मैं वो डायग्राम भी आपको बता देता हूँ, इस तरह से होगी एक डायग्राम, यो प्रोजेक्शन वाली कि मैं बात कह रहा हूँ राइट, और यहाँ पे जो है वो एंगल थीटा होगा आपके पास, यहाँ पे इस तरह आप ए कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे बी वेक्टर कंसीडर कर लेंगे राइट, और यहाँ पे जो है वो बी हो जाएगा राइट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो ओ हो जाएगा, यहाँ पे जो है अल्फा हो जाएगा राइट डियर स्टूडेंट, और ये जो है वो ए कॉस अल्फा कहलाएगा राइट। ये मैं बात कह रहा हूँ यहाँ से लेके बी तक की बात कर राइट, ये चीज जो है ये और यहाँ से ये राइट। अच्छा, अल्फा बीटा गामा से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के टर्म्स जो है वो यूज करेगा क्वेश्चन के अंदर आपके पास, और वो आपने बता देनी है इजिली। कुछ कॉन्सेप्ट देखें, थ्योरी तो जितनी इस पर डिस्कशन की जाए उतने ही कम है, तो अब हर चीज तो लेक्चर में कवर अप नहीं हो सकेगी, जैसे कुछ जो मेजर मेजर चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और अगर मैं वर्क के बारे में आपको डिस्क्राइब करने लगूँ तो पूरा पूरा एक और लग जाता है। इसी तरीके से अब मैं आपको समराइज करके चीजें बता रहा हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को लें। देखें वर्क की बात अगर करेगा आप, देखें मैं समझा भी चुका हूँ ये प्रीवियस, जब लेक्चर शुरू हमने चैप्टर शुरू किया था वेक्टर्स का, तो मैंने वेक्टर और स्केलर आपको डिटेल में बताया था। अब ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, देखें एफ डब्ल्यू जो है वर्क का फार्मूला होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये यहाँ पे एफ डॉट डी जी, W इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ डॉट डी होता है राइट। ये डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, वेक्टर का जो साइन है वो ऊपर डलेगा यहाँ पे एफ डॉट डी राइट डियर स्टूडेंट्स, एफ डॉट डी डाला, और एफ डॉट डी किसके बराबर होता है, एफ डी कॉस थीटा, तो ये एफ डी कॉस थीटा है यहाँ पे, दिस वन एफ डी कॉस थीटा राइट डियर स्टूडेंट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएंगे, और आप मल्टीप्लाई कराएंगे एफ को और डी को, दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, और कॉस थीटा अगर वो पूछता है तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भाई वर्क किसके बराबर है, तो आपने बता दें वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी है, एफ डी और एफ डी जो है विच इज एफ डी कॉस थीटा है, इस तरीके से ये होगा राइट डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे 3.4 के अंदर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वर्क डन की जो है वो आपने जो है वो क्या है डिफरेंट एग्जांपल्स करनी है, वर्क डन जो है एफडी
एफडी होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है मींस कि अगर बॉडी ये डिस्टेंस कवर करेगी एक डायरेक्शन में, वर्क होगा। लेट सपोज के एक बॉडी है, पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है ये मेरे पास, अगर मैं इस पे फोर्स एफ लगाऊंगा तो एक डायरेक्शन में मूव करेगी। बॉडी है, इसको बॉडी कंसीडर कर ले तो, और कुछ वर्क भी होगा मींस के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये जो है पॉइंटर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये चीजें जो है वो होती है, राइट। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ इस तरीके से होगा। होप सो के आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनी हाउ फर्दर जो कन्फ्यूजन्स इसमें होंगी या कोई चीजें आपको अभी क्लियर क्लैरिफाई नहीं हो रही होंगी बिल्कुल अच्छे से, वो आप पिक नहीं कर पा रहे होंगे उस पॉइंट को, तो वो हम जब ड्राइव करेंगे उस क्वेश्चन को, लाइक वर्क की बात कर लूँ, जब मैंने लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जो कि वर्क का था, एफ वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो जब हम उसका क्वेश्चन ड्राइव करेंगे तो उसमें आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि एफ की वैल्यू क्या लेनी है, डी की क्या लेनी है। अगर डी नहीं है तो डी टू माइनस डी वन करेंगे, इस तरीके से आपको वो चीजें फिर क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और आई डॉट जे और यूनिट फैक्टर क्या है, और डॉट और स्केलर प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो फिर समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।